दूरदर्शन में सभी दर्शकों का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, आज हम आपके लिए जो विषय लाए हैं वो बागवानी से संबंध रखता है और आज हमारे साथ एक बागवानी विशेषज्ञ हैं। तो आइए कार्यक्रम में स्वागत करते हैं डॉक्टर शिवाली ठाकुर का। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका हार्दिक अभिनंदन है। धन्यवाद। दर्शकों, आपको बता दें कि डॉक्टर शिवाली ठाकुर एक बागवानी विशेषज्ञ हैं जो सोलन में कार्यरत हैं और आज हम इनके साथ जो विषय पर जिस पर चर्चा करेंगे वो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्लांट्स यानी जो पौधों का विविधीकरण होता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्लांट्स या विविधीकरण का जो कॉन्सेप्ट है ये वास्तव में क्या है? देखिए, विविधीकरण जिसे है हम डाइवर्सिफिकेशन भी कहते हैं जी, ये होता है जब किसान अपनी ट्रेडिशनल खेती या पारंपरिक खेती से हटकर मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अपनाते हुए जी, जो खेती करता है, फार्मिंग करता है जी, हम कहते हैं कि वो डाइवर्सिफाई हो रहा है, डाइवर्सिफिकेशन है और उससे अपनी आमदनी को बढ़ाता है तो ये होता है डाइवर्सिफिकेशन जी। जैसे हम सब जानते हैं जो हमारा देश है, प्रदेश है उसमें जो हमारा किसान है जी, वो काफ़ी समय से जो है मौसम संबंधी समस्याओं का सामना तो कर ही रहा है, लेकिन अब जो उसके सामने एक समस्या सामने आ गई है उसके जी, वो है छोटे जोत की समस्या। वो है छोटे जोत, जैसे हम देख रहे हैं कि जो हमारी पॉपुलेशन है जी, वो दिन प्रतिदिन बढ़ रही है और उससे जो है लोगों के परिवार भी बढ़ रहे हैं, उसकी वजह से जो किसान के पास जमीन है वो बंट गई है जी। वो कैसे कि उनके परिवार बढ़ रहे हैं तो उस जमीन के हिस्सेदार बहुत बढ़ गए हैं और उसके पास जो है नतीजा क्या हो रहा है कि जो उसकी जोत है वो बहुत सिमट के रह गई है, उसका साइज बहुत छोटा हो गया है जी। और हमारे सामने ये चुनौती हो जाती है कि हम अपने जो किसान हैं उसके लिए क्या करें, ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करें कि उससे जो है वो अपनी छोटी ज़मीन से जो है वो अधिक आमदनी प्राप्त कर सके। तो इसलिए हमको ये ज़रूरी हो गया है कि अब हम अपने किसान को बताएं, हम अपने बागवान भाई बहनों को बताएं कि वो जो जो खेती कर रहे हैं उसको वे ऑफ लाइफ की तरह ना लें, कैजुअली ना लें, बल्कि एक बिजनेस के तौर पर जो है खेती को करें। दूसरी बात कि क्योंकि जो हमारा प्रदेश है उसमें लगभग 80% जो किसान है वो लघु और सीमांत किसान है, लघु सीमांत किसान हुए जिनके पास 25 बीघा से कम जमीन होती है वो इस श्रेणी में आते हैं जी। तो अब हमारा क्योंकि ये जो ये छोटे किसान होते हैं और इनके पास ज़मीन जो होती है वो बहुत कम होती है, जिसकी वजह से जो इनको अपनी पैदावार का उचित मूल्य नहीं मिल पाता और वो प्रॉफिट भी नहीं हो पाता उनको, तो अब ये ज़रूरी हो गया है कि हम इन छोटे किसानों को और बागवानों को जोड़ें, संगठित करें जी। और चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन के रूप में हो, चाहे वो एसोसिएशंस के रूप में हो या फिर क्लस्टर अप्रोच को अपना कर हो जी। तीसरी बात कि जो हमारा किसान है जी, उसका टेक्नोलॉजी की तरफ एक्सेस नहीं होता, वो एक्सेस नहीं कर पाता टेक्नोलॉजी को और जिसकी वजह से उसको नहीं पता चल पाता कि कौन सा नई टेक्नोलॉजी आई है, क्या स्कीम आई है, तो ये हमारा फ़र्ज़ हो जाता है, हमारी ड्यूटी हो जाती है कि हम अपने किसान को जागरूक करें और उसे टेक्नोलॉजी के बारे में बताएं जी। और साथ ही कि किस प्रकार, क्योंकि हमारा जो किसान है वो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर है, लघु और सीमांत किसान है जी, तो अब ये ज़रूरी हो जाता है कि हमें हम ऐसा कुछ कदम उठाएं कि उससे उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है लागत जिसे हम कहते हैं उसको भी कम करें ताकि जो किसान है वो अपनी फसल का लाभकारी मूल्य ले सके। तो इन सब चीज़ों का अगर हम ध्यान रखेंगे और ये हमारा कदम होगा डाइवर्सिफिकेशन की तरफ जी बढ़ने का जी। तो ये सब डॉक्टर साहब, आधुनिकीकरण की अगर हम बात करें तो इस पहलू पर आप क्या बता सकती हैं अगर बागवानों को आधुनिकीकरण के विषय में कुछ बताना हो? हाँ जी, देखिए डाइवर्सिफिकेशन की जहाँ तक बात है, जब हम आज़ाद हुए जी, तब हमारी स्थिति ये थी कि हम अपनी आबादी, हमारी पॉपुलेशन है जी, उसको कैसे फीड करें, कैसे उनको हम खाद्यान्न प्रोवाइड करवाएं और खाद्यान्न प्रोवाइड करवाएं, कैसे अपने खाद्यान्नों की हम प्रोडक्शन को बढ़ा सकें जी।
तो इस और प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए कृषि के क्षेत्र में, बागवानी के क्षेत्र में कई जो थे वो शोध हुए, जिसकी वजह से नतीजा हुआ कि हरित क्रांति आई, ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ जी। तो ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण हमारा उत्पादन तो बढ़ा, किसान का उत्पादन बढ़ा, लेकिन जिस अनुपात में उत्पादन बढ़ा उस अनुपात में उसकी आमदनी नहीं बढ़ी। तो इन सब चीज़ों पर विचार करते हुए, चिंतन करते हुए हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी हैं, उन्होंने ये लक्ष्य रखा कि 2022 तक हम अपने किसान की आमदनी को दुगना करेंगे जी। तो इस और आमदनी को हम कैसे दुगना करेंगे, इस और हर क्षेत्र में प्रयास होने लगे और इस पर जो है कई चीज़ों पर ध्यान दिया गया, कई पहलुओं पर ध्यान दिया गया। वो था उत्पादकता पर, कि उत्पादकता को हम बढ़ाकर, उत्पादकता बढ़ेगी तो किसान की आमदनी भी बढ़ेगी जी। दूसरा कि पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी पे ध्यान दिया गया। पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी से हमारा मतलब है कि हम सब जानते हैं कि जो हमारा फल उत्पादन या फसल का जो उत्पादन है उसका 30-40% जो लॉस होता है, नुकसान होता है, वो फसल कटाई या फल तोड़ाई के बाद होता है जी। तो ताकि इन लॉसेस को हम कम कर सकें और अपने जो किसान है उसका जो है हम प्रॉफिट बढ़ा सकें, इस और भी ध्यान दिया गया। तीसरा मार्केटिंग जी, किस प्रकार हम जो है अपने किसान की मार्केटिंग को एंश्योर करें, कैसे हम बाजार को किसान के पास लाएं ताकि जो है उसको अपनी पैदावार का लाभकारी मूल्य मिल सके, उचित मूल्य मिल सके। तो इन सब चीज़ों पे फिर ये हो गया, मार्केटिंग भी हो गई, फिर ये था कि कैसे हम अपनी प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को इन किसानों के साथ जोड़ेंगे ताकि उनका जो उत्पाद है, जो उनका जो वो प्रोडक्शन कर रहे हैं फसल है, उसको प्रोसेसिंग के जरिए या फिर आपकी वैल्यू एडिशन करके जो है वो लाभ कमा सके जी। तो इन सब चीज़ों पे डाइवर्सिफिकेशन में इन सब चीज़ों को ध्यान में रखा गया है जी। डॉक्टर साहब, अगर हम हाई डेंसिटी प्लांटेशन या जिसे सघन बागवानी भी कहते हैं इसकी बात करें, तो ये क्या होती है सघन बागवानी और ये किस तरह से इसे अप्रोच किया जाता है? देखिए, सघन बागवानी, जो सघन बागवानी है, जैसे नाम से ही हमको पता लग रहा है, सघन मतलब पास पास। इसमें जो है पौधों से पौधों की दूरी कम रखी जाती है और पौधों की जो पंक्ति होती है रो टू रो डिस्टेंस भी कम होता है, तो कम जमीन पे ज्यादा जो है फल पौधे आ जाते हैं हम, या ये भी कह सकते हैं कि निश्चित क्षेत्रफल से आधुनिक टेक्नोलॉजी या प्रबंधन को अपनाते हुए जब अधिक से अधिक पौधे लगाकर हम कम क्षेत्रफल से ज्यादा आय प्राप्त करते हैं तो उसको सघन बागवानी कहा जाता है। सीधे शब्दों में हम ये भी ऐसा भी हम अपने किसान भाई बहनों को समझा सकते हैं कि जहाँ किसान एक हेक्टेयर में 400 पौधे लगाता है, वहीं अगर हम सघन बागवानी करें, हाई डेंसिटी प्लांटेशन करें, तो उसके द्वारा यही पौधे 4000 जो है वो एडजस्ट हो जाते हैं, 4000 तक के जो है वो प्लांट्स इसमें लग जाते हैं। इसमें किसी भी तरह से गुणवत्ता पर कोई फर्क नहीं पड़ता है? नहीं, गुणवत्ता और बेटर होती है, क्योंकि हाल ही में अभी जो है हमारे हमारे प्रदेश में दो प्रोजेक्ट आए हैं। एक मैं आपको बताती हूँ, अभी जो है रिसेंटली एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा वित्त पोषित हमारा एक प्रोजेक्ट है HP शिवा, जो हमारे माननीय बागवानी मंत्री श्री महेंद्र सिंह ठाकुर जी के सौजन्य से और उनके कड़ी मेहनत और एफर्ट्स के कारण जो है हमारे प्रदेश को प्राप्त हुआ है जी। तो इस प्रोजेक्ट में, ये प्रोजेक्ट जो है वो निश्चित तौर पर हमारे जो निचले क्षेत्र हैं, मैदानी क्षेत्र हैं, उसमें जो है वरदान साबित होगा। इसमें जो है सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स जैसे आपके मौसमी हो गया, लीची हो गया, अनार, अमरूद, इन जो है फसलों पर ध्यान दिया गया है और सघन बागवानी द्वारा जो है इसमें बगीचे स्थापित किए जा रहे हैं। दूसरा, कई इंटरवेंशंस इसमें इन्वॉल्व हैं और इन चीज़ों का ध्यान रखा गया है। और एक हमारा प्रोजेक्ट है वर्ल्ड बैंक का जी, HP HDP, ये वर्ल्ड बैंक द्वारा वित्त पोषित है और ये 2016 से स्टार्ट हुआ है और अभी तक हम जो है बगीचे भी इसके स्थापित कर चुके हैं जी। इसमें भी जो है सघन बागवानी द्वारा जो है एप्पल की
वेराइटीज़ को लगाया गया है और इस प्रोजेक्ट के अंडर हमने एप्पल की वेराइटीज़ जो है वो हमने इम्पोर्ट की है जी। और ये हाई कलर स्ट्रेन वेराइटीज़ हैं, जैसे जेरोमाइन है, स्कारलेट स्पर टू है, और रेड विलॉक्स है, गेल गाला है, रेडलम गाला है, सुपर चीफ है, किंग रॉट है, ऐसी कई वेराइटीज़ हैं जो M9 जो क्लोनल रूट स्टॉक्स पे तैयार की जाती हैं, और ये जो है हम लगा रहे हैं, हमने बगीचे स्थापित किए हैं और अब रिजल्ट भी सामने आ रहा है, बहुत अच्छा रिजल्ट आया है और मार्केट भी उसकी बहुत अच्छी जो है हमारे किसान बागवानों को मिली है जी। डॉक्टर साहब, अगर पॉलिनाइजर्स की बात करें तो पॉलिनाइजर्स या परागण ये क्या होते हैं? देखिए, पॉलिनाइजर्स पे मैं आने से पहले मैं थोड़ा बताना चाहूँगी कि जो किसान बागवान है इन वेराइटीज को लगाते समय किन चीज़ों का वो ध्यान रखेंगे, इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले जो ये जो अभी मैंने वेराइटीज आपको बताई हैं, ये हमारे क्लोनल रूट स्टॉक पे रखती हैं, M9, MM111, MM106। जो M9 रूट स्टॉक है वो ड्वार्फिंग रूट स्टॉक है, जो MM111 और 106 हैं वो सेमी विग्रस और आपके सेमी विग्रस और सेमी ड्वार्फ हैं। तो अगर किसान बागवान भाई बहनों को ये ध्यान रखना है, अगर उनका खेत सीधा है, ठीक है, और अगर पानी की वहाँ पर सुविधा है, तो वो इन सब वेराइटीज़ को सिवाय स्पर वेराइटीज़ के इनको M9 रूट स्टॉक पे वो ले सकते हैं जी। M9 रूट स्टॉक पे लेने के लिए जैसा ये ड्वार्फिंग रूट स्टॉक होता है, और जो इसकी जो जड़ें हैं वो ज़्यादा गहरी भी नहीं जाती हैं, ये शैलो रूटेड होता है, तो इसको पानी की आवश्यकता बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो पानी के लिए ड्रिप इरिगेशन सिस्टम इसमें लगना बहुत ज़रूरी है, और ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगाने के लिए भी जो हमारा विभाग है वो 80% सब्सिडी जो है वो मुहैया करवाता है जी, है ना, तो वो भी कोई एक मुश्किल कार्य नहीं है। और ड्रिप इरिगेशन सिस्टम अगर लगा होगा प्लांट्स में, तो ये रिसर्च में साबित भी हुआ है कि इससे आपकी एक तो जो वीड्स हैं, जो खरपतवार है, वो नहीं होते, बूंद बूंद आपका पानी गिरता है और मिलता है प्लांट को, उससे पानी की बचत होती है, और ऊपर से जो आपकी फल का पैदावार है वो भी बढ़ती है। दूसरा, M9 रूट स्टॉक की हम बात कर रहे हैं, तो मैं क्योंकि शैलो रूटेड होता है, इसकी जड़ें ऊपर होती हैं, तो इसको सपोर्ट सिस्टम की बहुत ज़रूरत होती है, सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत होती है, क्योंकि तेज़ हवा चलने से या जब इसमें बेयरिंग में आया, जब इसमें फ्रूट लगा, तो इसको गिरने का खतरा रहता है, तो सपोर्ट सिस्टम जो है इसमें लगाना पड़ता है। सपोर्ट सिस्टम हम इसमें कैसे लगाएंगे कि जो हमारी प्लांट्स की रो है उसकी डायरेक्शन में हम पोल्स को 20-20 फीट के डिस्टेंस पे लगाते हैं। 20-20 फीट के डिस्टेंस पे हमने पोल लगाए, GI पाइप या स्टील पाइप के आप जो है, जो हमारे किसान हैं वो पोल लगा सकते हैं। फिर इसमें 4-5 तारों को बांधा जाता है, 2-2 फीट के डिस्टेंस पे तारे बांधी जाती है, 1-2 फीट के डिस्टेंस पे बांधते हैं, फिर इंडिविजुअली जो है हम इसमें प्लांट को बांध देते हैं जी। तो उससे जो है प्लांट को पकड़ मिल जाती है, और जब हम इन प्लांट्स की बेंडिंग भी करते हैं, और तब भी हम इन तारों के सहारे से उसको बांध सकते हैं जी। तो सपोर्ट सिस्टम इसमें बहुत ज़रूरी है जी। दूसरा, जब M9 रूट स्टॉक पे जो हमारे किसान बागवान भाई बहन हैं वो प्लांट्स लगाते हैं, तो उसमें अमूमन हम 1x1x1 मीटर का जो गड्ढा करते हैं, बट ये शैलो रूटेड है, तो इसके लिए हम 1 मीटर चौड़ी और 90 सेंटीमीटर गहरी डीप जो है वो ट्रेंच खोदकर जो है प्लांट्स को लगा सकते हैं, अच्छी तरह से खाद मिलाकर, उसमें सिंगल सुपर फॉस्फेट डालकर हम मिला सकते हैं जी। फिर दूसरी बात आती है, जिन किसान बागवान भाई बहनों के पास ढलानदार जमीन है, स्लोपी लैंड है, तो वहाँ पर वो M9 का प्रयोग ना करें, वहाँ पे उनको MM111 का प्रयोग करना है, या MM106 पे वो प्लांट्स को लगा सकते हैं। इसमें सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत नहीं होती है, और इसमें प्रॉपर जो है गड्ढे आपको लेआउट करवा कर गड्ढे खोदने हैं, और 1x1x1 मीटर का, 1 क्यूबिक मीटर का आपको गड्ढा प्रॉपर बना के जो है, जब भी आप जो है बगीचा लगाना है, फल पौधे लगाने हैं, तो लगभग 1 महीना पहले आप गड्ढे उस पे करें, थोड़े 10-15 दिन उसे खुला रखें, और जब आप गड्ढे को भरें मिट्टी खाद और मिलाकर जब आप भरते हो, तो उसको आप ज़मीन से थोड़ा ऊपर रखिए,
ताकि जब बारिश पड़ती है तो वो जो है मिट्टी बैठती है थोड़ी जी। अदरवाइज क्या होगा, अगर आप उसको उसी लेवल में भरेंगे गड्ढे को अपने, अगर आप ऊपर तक नहीं भरेंगे तो क्या होगा कि जब बारिश पड़ेगी तो आपकी मिट्टी दब जाएगी, उसे जो है प्लांट भी के चांसेस होते हैं, उसका जो वो जहाँ से ग्राफ्ट यूनियन होता है, जहाँ पे कलम चढ़ाई होती है, वो भी उसके नीचे दब जाता है। जी जी। और दूसरी, मैं क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि बागवान भाई बहनों की ये शिकायत रहती है कि हमने प्लांट लगाया लेकिन वो प्रॉपर जो है ग्रो नहीं कर रहा है जी। तो उसका कारण ये भी रहता है कि जल्दी जल्दी में जो है जो हमारे किसान हैं वो फल पौधे लगा देते हैं, आप किसी नर्सरी से लाए और उन्होंने वहाँ पे थोड़ा सा खोदा और लगा दिया जी। प्रॉब्लम ये रहती है, बट हम बोलते हैं कि आप एक क्यूबिक मीटर का गड्ढा खोदिए, प्रॉपर उसे एक महीना पहले खोदिए, और उससे क्या होता है कि जब आपने ऐसे ही वो बिना गड्ढा किए प्रॉपर आपने ऐसे ही जो है लगा दिया प्लांट को, तो उसे हो सकता है नीचे कोई पत्थर आ गया हो जी, उसकी जड़ें नहीं जा पाएंगी, तो वो आपका प्लांट धीरे धीरे सूखने लग जाता है। तो किसान बागवान भाई जो हैं वो इस बात का पूरा ध्यान रखें कि वो अच्छे से प्रॉपर प्लानिंग के साथ जो है अपने बगीचे को लगाएं और लेआउट करके लगाएं जी। डॉक्टर साहब, अगर इम्पोर्टेड वेराइटीज़ की बात करें तो इसके बारे में थोड़ा प्रकाशित कीजिए हमारे दर्शकों। इम्पोर्टेड वेराइटीज़ मैंने आपको अभी बताया जो है, ये नया कॉन्सेप्ट है हाई डेंसिटी प्लांटेशन का, सघन बागवानी का। तो ये जो इम्पोर्ट की है हमने, जेरोमाइन, रेड विलॉक्स, डार्क बैरन गाला, किंग रॉड, स्कारलेट स्पर, ये स्टैंडर्ड और स्पर वेराइटीज़ हमने है, हाई कलर्ड स्टेन वेराइटीज़ हैं जो हमने इम्पोर्ट की है। ये सारे सेब की वेराइटी, ये सेब की वेराइटीज़ हैं। तो इस ये क्लोनल रूट स्टॉक्स पे जो है वो लगती हैं, और जो ये वेराइटीज़ है अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। और सबसे बड़ी खासियत इन वेराइटीज़ की ये है कि अभी तक जो सेब था वो हमारे ऊंचाई वाले क्षेत्रों में लग रहा था जी, और अगर आप उसको निचले क्षेत्रों में लगाते, मध्यमवर्ती क्षेत्रों में लगाते तो वहाँ पे वो नहीं हो रहा था, कामयाब नहीं था। लेकिन अब ये जो किस्में हैं जो अभी मैंने जिक्र किया है, ये किस्में 4000 फीट पे भी बहुत अच्छी जो है वो रिजल्ट दे रही हैं, और बहुत अच्छी जो है इसका मार्केट वैल्यू भी बहुत अच्छी आ रही है। और अभी आपने मेरे से पॉलिनाइजर्स के बारे में पूछा था जी, है ना, तो ठीक इसमें भी जैसे हम अपनी ट्रेडिशनल खेती में जो है जो सीडलिंग रूट स्टॉक पे हमारे अधिकतर बगीचे लगे हैं उसमें जो है हम पॉलिनाइजिंग वेराइटीज यूज करते हैं, बट उसमें प्रॉब्लम यह आती कि प्रॉब्लम यह आती है कि जो वो हम ट्रेडिशनल खेती में सीडलिंग रूट स्टॉक पे जो बगीचे लगे हैं उसमें जो पॉलिनाइजिंग वेराइटीज़ है हमारी, उसकी मार्केट वैल्यू इतनी अच्छी नहीं है, किसान को उतने दाम नहीं मिलते। लेकिन जो ये इम्पोर्ट की है हमने वेराइटीज़ जो हम हाई डेंसिटी प्लांटेशन द्वारा बागवानों को उपलब्ध करवा रहे हैं उसमें जो है ये बहुत अच्छी, इनकी जो मार्केट वैल्यू है बहुत अच्छी है। ये है गेल गाला, रेडलम गाला, तो ये वेराइटीज़ हैं जो बहुत अच्छा रिस्पांस दे रही हैं, और इनकी जो फ्लावरिंग है वो मेन वैरायटी के साथ सिंक्रोनाइज करती है जी। डॉक्टर साहब, अगर हम एक कंपैरिजन करें ट्रेडिशनल बागवानी और मॉडर्न बागवानी, तो इनमें क्या नफ़ा नुकसान, प्रोज एंड कॉन्स हम समझ सकते हैं? हाँ जी, देखिए बहुत ही अच्छा ये आपने प्रश्न किया है। जो अभी तक बागवानों को समझाना हमें पड़ रहा है क्योंकि नई टेक्नोलॉजी है जी, हाई डेंसिटी प्लांटेशन है नंबर एक, कि ये जो जो ट्रेडिशनल हमारी सीडलिंग रूट स्टॉक पे हम जो वेराइटीज़ लगा रहे थे जी जी, उसमें ये था कि वो बहुत विग्रसली ग्रो करती थी, दूसरा कि 5-6 साल में उसमें फल लगना स्टार्ट होता था जी, वो जो बियरिंग में बहुत लेट आती थी, और जो उसमें फल लगता था जो सीडलिंग रूट स्टॉक पे अधिकतर हमारे बगीचे हैं उसमें जो फल लगता था उसमें साइज में बहुत वेरिएशन थी। हम कह सकते हैं कि 40-50% जो था जो फ्रूट उसमें निकलता था वो ए क्वालिटी का था, 40-50%। लेकिन जो ये सघन बागवानी द्वारा जो हम ये हाई डेंसिटी प्लांटेशन के द्वारा ये जो वेराइटीज हम लगा रहे हैं, जेरोमाइन, रेड विलॉक्स, किंग रॉड, स्कारलेट स्पर 2, सुपर चीफ, गेल गाला, ये सब वेराइटीज जो हैं ये जल्दी फलन में आती हैं, और दूसरा जो इसकी गुणवत्ता है वो बहुत अच्छी है कंपैरेटिवली सीडलिंग जो सीडलिंग रूट स्टॉक पे लगी है, और इसमें लगभग 80% जो आपका फ्रूट है वो ए क्वालिटी का होता है जी, क्योंकि प्लांट ये ज़्यादा बड़ा नहीं जाता, 10-12 फीट तक ये प्लांट
जो है इसकी हाइट जाती है और इजीली मैनेज हम कर सकते हैं। और इसका जो ट्रेनिंग सिस्टम होता है ये उससे बहुत अलग होता है जी। जैसे जो हम ये पुराने ट्रेडिशनल जो हम मेथड से हम लगाते थे सीडलिंग रूटस्टॉक पे, उसमें हम बहुत प्रूनिंग करते थे, उसमें हम हेडबैक करते थे, लेकिन जो ये वेराइटीज़ हैं इसमें हेडबैक बिल्कुल भी नहीं करते हैं। इसमें टॉल स्पिंडल सिस्टम से हम इसको पौधे को ट्रेन करते हैं, पौधे की सिधाई करते हैं और फ्रेमवर्क इसका होता है जी। और जैसे मैं अभी आपको बता रही थी कि हम बेंडिंग करते हैं इसमें बिलो हॉरिजेंटल, जैसे एक ब्रांच है ऐसे सी हॉरिजेंटल है तो हम उसको बेंडिंग करते हैं जुलाई अगस्त के महीने में, ताकि उसका जो क्रॉच एंगल है तने से टहनी का क्रॉच एंगल वाइड हो जी, जिसकी वजह से उसमें जब हम बेंड करते हैं तो उसमें बीमे बहुत ज़्यादा बनते हैं, उससे जो है बीमे आपके ज़्यादा बनेंगे तो आपकी प्रोडक्शन ज़्यादा होगी। डॉक्टर साहब, अगर डाइवर्सिफिकेशन को हम बहुत ही सरल शब्दों में अपने दर्शकों को समझाना चाहें, विविधीकरण, तो इसे बहुत सरल शब्दों में हम किस तरह से समझ सकते हैं? देखिए, डाइवर्सिफिकेशन जैसे जैसे हम समय बीतता है बदलाव आते हैं, टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट होता है, नए इंटरवेंशन आती हैं, तो उसको जब किसान जो है साइंटिफिक ढंग से किसी चीज़ को करता है और हटके करता है, ठीक है, जैसा मैंने कहा था कि पारंपरिक ढंग से जो वो खेती कर रहा है उसे हटके जब वो करेगा, नई टेक्नोलॉजी के साथ करेगा, साइंटिफिक तरीके से करेगा, तो वो डाइवर्सिफिकेशन की तरफ जा रहा है। जैसे अभी सघन बागवानी एक इसमें एक विकल्प है डाइवर्सिफिकेशन के लिए। फिर एक विकल्प है जो है मशरूम खेती का। हम जानते हैं कि जो हमारा किसान है वो स्मॉल मार्जिनल फार्मर है, उसके पास जमीन ज्यादा नहीं है, तो एक मशरूम कल्टीवेशन को भी एक डाइवर्सिफिकेशन का वो विकल्प ले सकता है। मशरूम कल्टीवेशन एक बंद कमरे में वो कर सकता है और अगर वो सीजनल क्रॉप लगा सकता है। दूसरा, अगर वो पूरा साल मशरूम की फसल लेना चाहता है तो वो एसी लगाकर टेम्परेचर को कंट्रोल करके पूरा साल भी उसमें फसल ले सकता है। यानी कि डाइवर्सिफिकेशन का अगर हम संक्षिप्त में कहें तो ये एक तरह से फसल की उपज गुणवत्ता, किसान को जो प्रॉफिट आता है वो सब बढ़ता है, हर चीज को मद्देनजर रखते हुए एक कदम जो है उसी को डाइवर्सिफिकेशन डाइवर्सिफिकेशन। और ये इसके लिए सरकार भी पूरी मदद करती है किसानों की, उन्हें कुछ अनुदान भी कई बार दिया जाता है, इसके बारे में कुछ आप कहना चाहेंगे? जी हाँ, देखिए जैसे मैंने बताया आपको कि हमारा डाइवर्सिफिकेशन जब हम करते हैं तो डाइवर्सिफिकेशन से है कि हम किसान को मुनाफा कैसे दें जी, कम खर्चा करके हम मुनाफा कैसे दें जी। तो हम हमारी कई स्कीम्स हैं, जैसे उसकी लागत को कम करना है जी। तो हम फार्म मशीनरी पे उसको सब्सिडी दे रहे हैं जी, 50% सब्सिडी है स्मॉल मार्जिनल के लिए जी। जी, जी डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आप कार्यक्रम में आए और आपने हमारे दर्शकों को बागवानी संबंधी इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, हम सब आपके बहुत बहुत आभारी। धन्यवाद।